कि हमारे मार्केटिंग प्लान कितने हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। आज मैं आप लोगों को दो मार्केटिंग प्लान के बारे में बताऊंगी जो हमारे फर्स्ट पे हैं, जो बेसिक हैं X3 और X4 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर लूं। स्क्रीन ऑन है? जी मैम, क्लियर है। देखिए हमारे मार्केटिंग प्लान कितने हैं, फिलहाल 5 है, लेकिन जल्दी ही 6 वाला प्लान जो है वो लॉन्च होने वाला है। सबको पता है मैक्स कोर है वो। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो सबसे पहला जो है वो X3 है। उसके बाद सेकंड पे आता है X4, उसके बाद थर्ड में आता है XXX, उसके बाद X Gold और फिर आता है X Core। और ये देखिए नीचे मैक्स कोर है और जल्दी ही अभी इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। ठीक है, सबको पता है इस चीज का। ठीक है, अब हमारा जो X3 है उसके कितने लेवल है, कितने स्लॉट्स हैं, वो टोटल जो हमारे स्लॉट्स हैं वो 12 हैं। इसके टोटल स्लॉट कितने हैं? 12। फर्स्ट X3 के जो स्लॉट हैं वो 12 हैं। इसी तरह से X4 के कितने लेवल्स हैं या कितने स्लॉट हैं, वो भी 12 हैं। ठीक है, इनको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें ये टोटल 12 है। पहला जो हमारा स्लॉट है वो $5 का है, दूसरा जो है वो 10 का है, थर्ड वाला 20 का है, फिर 40 का, फिर 80 का, फिर 160 का, उसके बाद 320 का, 640 का, 1250 का, उसके बाद 25 का, और फिर 5000 का, और फिर 9090 का, 900 का सॉरी। तो ये इस तरह से इसके स्लॉट्स हैं और ये हम ओपन करने के क्या बेनिफिट हैं, कहाँ कितना हमें प्रॉफिट आता है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसी तरह से हमारे ये आगे, ठीक है, ये इसी तरह से हमारे X4 के भी हैं, ये भी टोटल इसके 12 स्लॉट्स हैं। तो ये भी इसी तरह से हमने ओपन करने होते हैं, कि क्या बेनिफिट है, किस तरह से काम करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें। इस तरह से देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये किस तरह से जब हम ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उसमें हमें कितने डॉलर्स की जरूरत होती है, कितने BNB चाहिए होते हैं। ठीक है, टोटल हमें $13 की जरूरत होती है। $13 से हमारी जो ID है वो एक्टिवेट होती है। ठीक है, $13 से ID एक्टिवेट होती है। वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे जो $11 हैं, यानी $11.0006 BNB, ये टोटल $13 बनते हैं। ठीक है, और हमें इसके अपनी आईडी के एक्टिवेशन के लिए $13 की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ ये कैसे सर्व होते हैं कि 11.0006 BNB जो है वो हमारे लगते हैं, ये हमें पहले $5 का X3 का एक स्लॉट मिलता है, और इसी तरह से हमें दूसरा जो स्लॉट मिलता है वो X4 का, और वो भी $5 का मिलता है। $5 के हमें ID के एक्टिवेशन के लिए हमें पहले दो ये स्लॉट मिलते हैं, X3 का एक मिलता है और एक मिलता है X4 का। ठीक है, तो उसके बाद हमारे ये तो हुए टोटल $11। ठीक है, बाकी जो हमारे जो $2 बचते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि देखिए, हमारा जो एक या $0.5 जो है वो ट्रांजेक्शन फी में लगता है। ठीक है, वो किस तरह से कि देखिए, कोई भी नया प्लान आता है, कोई भी नई चीज आती है हमारे प्लेटफॉर्म में, तो उसके लिए जाहिर बात है खर्चा होता है, उसके लिए जरूरत होती है कि हम, वो जाहिर सी बात है किसी ने खुद से तो लगाना नहीं, वो हमसे ही लेंगे, तो वो हमें टैक्स पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 1.06 जब हम अपना अकाउंट एक्टिव कर चुके होते हैं, तो 1.06 कुछ इस तरह से शो हो रहा होता है, $1.25, तो वो क्या होता है कि वो हमारे अकाउंट के एक्टिवेशन के बाद वहां पे शो हो रहा होता है, वो
देखे 13 डॉलर थे, पहले 11 डॉलर मैंने आपको बताया कि वो हमारे 5-5 डॉलर के हमें 2 स्लॉट मिल जाते हैं, और एक जो एक या मतलब एक या हाफ डॉलर जो होता है वो ट्रांजेक्शन फी में लग जाता है, ठीक है, और बाकी का 1.5 या 1.5 जो डॉलर होता है, एक से 1.5 डॉलर जो है वो हमारे अकाउंट में शो हो रहा होता है, इस तरह से हमारे अकाउंट की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये काम किस तरह से करते हैं, ये शुरू किस तरह से होते हैं, देखिये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ से प्रॉफिट X3 से किस तरह से आता है और X4 से किस तरह से आता है। हमें जो X3 से प्रॉफिट आता है वो सबसे पहले हमारे खुद के काम करने से आता है, यानी सेल्फ, और यहाँ पे आप लिख लें कि हमारे खुद के काम करने से हमें जो प्रॉफिट आता है वो X3 से। उसके बाद हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है वो हमारी टीम के काम करने से आता है, ठीक है, हमारी जो टीम काम करती है वहां से हमें यहाँ से प्रॉफिट आता है। उसके बाद मैं बात करूँ X4 की, तो वहां से हमें किस तरह प्रॉफिट आता है, सबसे पहले हमें खुद के काम करने से आता है, उसके बाद हमें हमारी अपलाइन की टीम से, यानी कि हमारे अपलाइन की जो टीम काम करती है वहां से हमें प्रॉफिट आता है, फिर हमारी डाउन लाइन से, यानी कि हमारे एंटर में हमारे नीचे जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं वहां से हमें हमारी डाउन लाइन से प्रॉफिट आता है, और उसके बाद हमें हमारे क्रॉस लाइन से, यानी कि हमारे टीम अपलाइन की टीम के जितने मेंबर एक्टिवली काम कर रहे हैं वहां से हमें प्रॉफिट आता है, ठीक है। इस तरह से हमें टोटल 4 तरीके से X4 से प्रॉफिट आता है, और ये किस तरह से, देखिए मैं आपको कलर में समझाती हूँ। ये जो येलो कलर में ब्लॉक शो हो रहे हैं, ये जो येलो कलर में इसका प्रॉफिट 100% शो हो रहा है कि ये हमें मिलना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे भी ये X4 और X3 ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं, ठीक है। ये जो येलो कलर में शो हो रहे हैं दोनों ये ब्लॉक जो जितने भी हैं, तो ये टोटल 5 है, तो इनसे 100% शो हो रहा है कि ये प्रॉफिट हमारा है और ये हमें ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये पर्पल कलर में आपको नजर आ रहा है कि ये जो पर्पल कलर में शो हो रहे हैं दो ऊपर वाले ब्लॉक जो है उनका जो जो प्रॉफिट है ना वो हमारे अपलाइन टीम को जाता है, यानी हमारे अपलाइन जिसने हमें ज्वाइन करवाया है उसकी टीम जो काम कर रही है, ये हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमारे अपलाइन की टीम को जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब ये तीसरा जो कलर शो हो रहा है ग्रीन कलर में, वो किसको जाता है कि ये हमारे हमेशा हमारे अपलाइन को जाता है, ठीक है। इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारे अपलाइन को जाएगा। अब ये स्टार्ट किस तरह से होते हैं, इसके टोटल 3 गोले हैं, इसके टोटल 6 गोले हैं, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि इसके टोटल 3 गोले हैं, ठीक है, और इसके टोटल 6 गोले हैं। देखिए 1, 2, 3, इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसके टोटल 6 गोले। अब ये किस तरह से स्टार्ट होते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सबसे पहले ये स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखें ये देखें यहाँ पे जो शो हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ये इसकी स्टार्टिंग X3 की स्टार्टिंग तो इसी चलेगी, ये पहले ये होगा उसके बाद ये होगा फिर ये होगा, लेकिन यहाँ पे X4 में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं, हमें नहीं पता कि पहले कौन सा गोला फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सबसे पहले ये फिल हो दोनों, उसके बाद ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, और इसके बाद ये हो, इस तरह से नहीं, तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि पहले ये फिल हो उसके बाद ये हो जाए फिर ये हो उसके बाद ये और फिर ये, यानी ये किसी भी तरह फिल हो सकता है, इसका कोई भी हमारे हम श्योर नहीं कह सकते कि पहले ये फिल होगा, हमें श्योर नहीं है कि पहले ये फिल होगा फिर ये होगा या ये किस तरह से काम करेगा, इसका हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ये कोई भी पहले ये अगर हो गया तो उसके बाद ये हो जाएगा, ये नहीं तो इसके बाद ये हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ये फिल होते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जब आप पहला मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, पहली आपकी ज्वाइनिंग होती है, मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ किस तरह से काम करते हैं कि जब देखे आप पहली ज्वाइनिंग करवाते हैं, यहाँ पे आप पहला मेंबर रजिस्टर करवाया, यानी कि आपका पहला मेंबर लगा है, तो क्या होगा कि यहाँ से एक ये फिल होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि $5 आपको मिल जाते हैं, पहली ज्वाइनिंग के $5 मिलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो $5 X4 से आपको मिलते हैं वो किसको जाते हैं, वो आपकी अपलाइन की टीम को चले जाते हैं, ठीक है।
आपको कितने डॉलर मिलते हैं? 5 डॉलर। उसके बाद जब आप दूसरी ज्वाइनिंग लगवाते हैं यानी कि आपका दूसरा मेंबर लगता है तो क्या होता है, मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ कि जब आपका दूसरा मेंबर लगता है तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये दूसरा मेंबर लगा और दूसरा यहाँ पे ये दूसरा ब्लॉक फिल हो गया X4 का, यहाँ से X3 का दूसरा यहाँ से फिल हुआ और यहाँ से X4 का हो गया। किस तरह से? अब ये देखें, यहाँ पे आपको मिले $5 फिर से और यहाँ से $5 फिर आपकी अपलाइन की टीम को चले गई। ठीक है, इस तरह से ये आपकी दूसरी ज्वाइनिंग हो गई। अब जब आपकी तीसरी ज्वाइनिंग होगी तो क्या होगा, तीसरी ज्वाइनिंग पे यहाँ पे ये देखें रिसाइकल का ऑप्शन आया। मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर जब भी आएगा तो वो आप समझ आएंगे कि ये हमारा रिसाइकल है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप मुझे प्रॉफिट आना है या नहीं आना। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो मेरे $5 है वो गए मेरे अपलाइन के पास। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर हमेशा किसके पास जाता है, हमारे अपलाइन के पास। इसकी जो अर्निंग होती है वो हमारे अपलाइन के पास जाती है। इसी तरह से यहाँ से ये ब्लॉक फिल हुआ। अब यहाँ से तो आपको कोई डॉलर X3 से आपको कोई अर्निंग नहीं हुई, कोई डॉलर नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ कि X4 से आपको $5 मिल जाते हैं। ठीक है, X3 से तो आपको कुछ नहीं मिला क्योंकि आपका रिसाइकल था और वो आपके अपलाइन के पास चला गया, लेकिन X4 से आपको $5 मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें, ये तो मैं हमारा X3 का जो था वो सारा ये फिल हो गया। ठीक है, लेकिन X4 के 3 गोले अभी बाकी हैं। ठीक है, ये देखें X3 के हमारे 3 गोले 1 2 3 ये तीनों फिल हो चुके हैं। अब यहाँ से ये 3 फिल हो चुके हैं, लेकिन बाकी 3 क्या है वो बाकी हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें यहाँ पे ये 3 हो गए थे, यहाँ से ये 3 हो गए थे और बाकी ये 3 बचते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जब रिसाइकल होता है तो रिसाइकल का मतलब होता है कि दोबारा से भरने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, दोबारा से फिल होने के लिए रेडी हो जाना। तो वो क्या होगा कि देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है और यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे ये 3 हो गए हैं और यहाँ से ये 3 हो गए हैं। अब ये 3 बाकी हैं तो क्या ये रिसाइकल हुआ है? तो रिसाइकल होने के बाद क्या मतलब है कि ये फिर से भरने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, अब ये खाली हो गया। एक दफा तो इसके रिसाइकल वगैरह मतलब एक दफा ये सारा फिल हो चुका है, उसके बाद ये दोबारा भरने के लिए तैयार हो गया। तो अब क्या होगा कि जब आपकी चौथे मेंबर की ज्वाइनिंग लगेगी यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ये दोबारा से रेडी हो गया भरने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा ये देखें, अब आपका चौथा मेंबर लगता है। चौथे मेंबर लगने पर क्या होता है कि यहाँ से आपका एक ये गोला फिल होता है और यहाँ से आपका एक ये फिल होता है चौथा, यानी कि 3 पहले हो चुके हैं, 1 2 3 ये पहले हो चुके हैं, अब ये चौथा है। यहाँ से ये चौथा ये कहलाएगा क्योंकि पहले 3 हो चुके हैं और अब चौथे की बारी है। ये पहला नहीं कहलाएगा ना ही तीसरा कहलाएगा, ये फिर चौथा कहलाएगा, यानी कि 1 2 3 एक दफा ये फिल हो चुका है, अब दूसरी दफा ये स्टार्ट हुआ है तो ये तीसरा कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 3 बाकी है। क्या होता है कि जब आपका चौथा मेंबर लगता है तो यहाँ से आपको मिलते हैं $5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से जब मैंने आपको बताया कि येलो जो भी कलर है, जितने भी येलो ब्लॉक है उसकी 100% श्योर है कि वो आपकी अर्निंग है और आपको ही मिलेगी। जब आपका चौथा मेंबर लगता है तो क्या होता है कि यहाँ से भी आपको, यहाँ से तो आपको ऑलरेडी X3 से 5 मिले हैं और यहाँ से अब आपको X4 से भी $5 मिलते हैं, यानी कि टोटल कितने हो जाते हैं $10। ठीक है, $10 आपको चौथी ज्वाइनिंग पे आते हैं। इसी तरह से जब आप पांचवा मेंबर लगता है, आपका पांचवा मेंबर ज्वाइन होता है तो क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा पांचवा मेंबर लगा है। ठीक है, पहले 3, उसके बाद ये चौथा था, अब ये पांचवा, और यहाँ पे ये पांचवा मेंबर
छठी ज्वाइनिंग पर क्या होता है, जब हम छठा मेंबर ज्वाइन करवाते हैं तो क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर का रिसाइकल होता है और रिसाइकल हमारा किसको जाता है, हमारे अपलाइन को। तो यहाँ से जब हम छठा मेंबर ज्वाइन करवाते हैं तो उसका क्या होता है कि वो हमारे अपलाइन को जाता है, ठीक है। इस अब यहाँ से $5, रुके मैं ये सब आपको कार्ड ली, प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। अब ये आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से काम करते हैं, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाया करेगा। ये हमारी, ये जितनी भी अर्निंग आएगी वो हमारी है। उसके बाद ये जो पर्पल कलर है वो हमारे अपलाइन की टीम को जाएगा, यानी कि जितने भी मेरे अपलाइन की टीम है, जितने भी मेंबर उनके काम कर रहे हैं, वो उनमें से किसी को भी जा सकता है। ये भी शोर नहीं होता कि किसको जाना है और किसको नहीं जाना। उसके बाद थर्ड पे ये आता है ग्रीन कलर, ठीक है। ये ग्रीन कलर हमारा जाता है हमारे अपलाइन की अपलाइन को, सॉरी, ये हमेशा हमारे अपलाइन को जाएगा। उसके बाद मैं आपको कलर समझाती हूँ कि कलर किस तरह से होते हैं, ठीक है, किस तरह के कलर हैं, कि आपको शोर होगा कि ये अर्निंग मेरी है और ये मेरे अपलाइन की है, यानी कि कहाँ कहाँ से मुझे प्रॉफिट आया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे भी यही सीन है, देखे सब में तीन तीन गोले हैं, ठीक है। जहां पे जैसे वहां पे X3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ था, ऐसे 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 तीन लेयर्स आ रही थी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखे, वहां पे ये येलो कलर में था, ये भी येलो कलर में था और ये रिसाइकल था, ठीक है। इस यहाँ पे भी यही सीन है। मैं आपको X4 में लेके जाती हूँ। ये देखे, ये जो मुझे अर्निंग जो आई है वो मेरे डायरेक्ट से आई है, यानी कि जो मेरे पर्सनल में जो मेरा मेंबर ज्वाइन है, जो मेरे पर्सनल लिंक से ज्वाइन हुआ है, वहां से जो जब भी आपका व्हाइट कलर शो हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने नीचे बताया भी हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये व्हाइट कलर में आ रहा है, ये जो गोल सा ब्लॉक है, ये देखे, ये जो व्हाइट कलर है इसका मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट पार्टनर, यानी कि आपके लिंक से जो ज्वाइन है, आपका टीम मेंबर है, वहां से जो आपको, उससे जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी अर्निंग आएगी, वो व्हाइट कलर में शो होगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये येलो कलर है, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है येलो कलर जो है वो स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, यानी कि हमारे यहाँ पे अपलाइन या हमारे अपलाइन की टीम से हमें जो भी प्रॉफिट आता है वो येलो कलर में शो होता है, ठीक है, वो येलो कलर में आएगा। आपको समझ, आपको पता चल जाएगा, आप लोगों को जब ये कलर कंफर्म हो जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें जो प्रॉफिट आया वो हमें कहाँ से आया, और डाउन लाइन से आया, अपलाइन से आया, या फिर हमारे डायरेक्ट पार्टनर से आया, कहाँ से आया, ठीक है। जब आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि मेरा, मुझे ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि व्हाइट कलर है वो आपके डायरेक्ट पार्टनर से है, यानी कि आपके पर्सनल लिंक से, यानी कि आपके टीम मेंबर जो है वहां से आपको प्रॉफिट आता है। और उसके बाद जो हमारा येलो कलर शो होता है वो हमारे अपलाइन कि बाव, बाव, बाव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और उसके हमारे तो वो ऑरेंज कलर में शो हो रहा है, ठीक है। अब ये कलर्स में आप हमें जरूर प्लान को, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज का नॉलेज, ठीक है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। आप लोग सब आए और आप लोगों ने लास्ट तक बने रहे, आप लोगों ने